आने की हिम्मत कैसे हुई? 20 साल से मैं यहाँ का एमएलए हूँ, क्यों है? चल बता, बोल, मेरे आदमियों को हाथ किसने लगाया? तुझे बचाया किसने? चल बोल, बोल ना, बोल, बता, बता, जल्दी बता। नीलकोंडा भगवंत केसरी। हाल ही में यहाँ ट्रांसफर हुआ है। 1 घंटे में वो यहां होना चाहिए। एक बार ये बोर्ड मीटिंग खत्म कर लूं, उसके बाद तेरी ही गन से तुम दोनों की खोपड़ियां उड़ाऊंगा। समझा एसपी? स्वतंत्र सेवा पार्टी के 10वें वार्षिक सम्मेलन की सफलता के लिए मैं आप सबका आभारी हूं। आप सबको मेरा हृदय से धन्यवाद। आपका साथ ही मेरी शक्ति है। सर, आपके नाम का अरेस्ट वारंट है, गाड़ी में बैठिए। सेक्शन 274 फॉरेस्ट में गैर कानूनी गतिविधियां, सेक्शन 302 ब्रूटल किलिंग्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। बेहतर होगा आप चुपचाप गाड़ी में बैठ जाएं। तू मुझे अरेस्ट करेगा? मेरे खिलाफ केस बनाएगा साले? मुझे थाने लेके जाएगा? हैं? मार खा के हंस रहा है। मालिक अगर नौकर को मारे तो वो बेचारा हंसने के अलावा और कर भी क्या सकता है। लेकिन सोचो कि अगर वही नौकर पब्लिक के सामने मालिक के ऊपर हाथ उठाए तो मालिक शर्म के मारे फांसी लगा लेगा। मुझे कौन मारेगा साले? होशियार होशियार सब चोर, खबरदार, आ रहा है जंगल का सरदार CI नीलकोंडा भगवंत केसरी। क्या हुआ रफी, यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? इसे जीप में क्यों नहीं डाला? ओ, तो तू है भगवंत केसरी। तेरी मौत की तारीख और समय तो मैं पहले से ही तय कर चुका हूँ। ये बात है, इसीलिए लुंगी उठा रहा है। जब तुझे जीप में डाले तो भागने में आसानी हो। ए, यहाँ से तो मैं तेरी लाश के ऊपर से ही निकलूंगा। गीदड़ भपकियों से मैं नहीं डरता, ये सुनकर कान पक गए। तू सिर्फ एक गुंडा है, पर मैं पुलिस वाला गुंडा हूँ। चल बे। नहीं जाऊंगा, देखता हूँ कैसे ले जाएगा। पता है कानों के बीच में भेजा क्यों रहता है? क्या? जब कान पे फटका पड़ता है तब बात भेजे में घुसती है। एक कॉल करूंगा मैं, मेरे पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले मेरे आदमी वहां पहुंच जाएंगे और एक एक को जलाकर राख कर देंगे। रफी। यस सर। इसके मोबाइल में 5G का रिचार्ज करवाओ। रास्ते में हमें और भी गुंडों को उठाना है, तब तक तेरे पास टाइम है, जिसको चाहे फोन कर ले। तू ऐसे कैसे एमएलए को अरेस्ट कर सकता है रे? उन्हें इसी वक्त छोड़ दे, वरना पूरे शहर में आग लगा दूंगा। भाई जरा 5 मिनट वेट कर, किट्टू लुका छुपी खेल रहा है। सीआई मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा है, फेस वैल्यू, मुझसे डर गया। अरे किट्टू क्या करता है यार, कितनी गर्मी है बाहर और भूख भी लगी है मुझे। चल बैठ जा गाड़ी में। ओए भगवंत, मैं नहीं आ रहा तेरे साथ। अपने चारों ओर देख, यार गैंग बुलाई है। इनको छोटे मोटे पॉकेट मार मत समझना, ओपड़ी खोल देते हैं।
पूरे बिहार में आतंक है इनका। बिहार पुलिस खुद इनके डर से बेल में छुप गई है। तुझे जिंदा रहना है तो निकल। हमारे दोस्त को लेकर जाओगे? हाथ तो लगा कर दिखा, ससुर तुझे यही काट दूंगा। हाथ तो लगा के दिखा, हाथ तो लगा, लगा हाथ। ऐसी भद्दी शक्लें देखते ही मेरा दिमाग घूम जाता है और दिमाग घूमने पर मैं वाइल्ड हो जाता हूं। छह हेलो बाइक टेस्टिंग 1 2 3। अपने किट्टू की मुंह दिखाई किए बिना मैं नहीं जा रहा। सर, मैं आपके साथ आने को तैयार हूँ। अबे किट्टू, तूने अपनी शक्ल को ढक के क्यों रखा है? क्या बताऊँ सर, मेरी शक्ल बहुत ही गंदी है। पर मुझे देखने तो दे। अरे जब मेरी बीवी को मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो आप देखकर क्या करोगे? पर मुझे अच्छी लगी तो। अरे क्यों मेरी माँ जैसी बातें करते हो? बिल्ली का रास्ता काटना और मेरी शक्ल देखना एक ही है। इतनी बुरी है कि कुत्ता भी ना मुते। माई बाप गाड़ी में बैठा दो। कोर्ट में चीफ जस्टिस हो, अपना हाल देखो। आज मैं एक रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर के केस का फैसला करने वाला था। उसके हक में फैसला दूं उसके लिए बहुत प्रेशर डाला जा रहा है। मना करने पर गवर्नमेंट से मिलने वाली सिक्योरिटी भी हटा दी गई। जब तक सेंटर से कोई मदद मांगता तब तक तो क्यों? 60 साल ईमानदारी से काम करके क्या मिला? संतुष्टि। बस अपनी फैमिली की चिंता है, उन्हें किसी महफूज जगह लेकर जाना होगा। ठीक है, पुणे में एक जगह है जहां आप सुरक्षित रहेंगे। मैं आप सबको वहीं शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, लेकिन वहां जाने से पहले मैं कहानी सुनाऊंगा जिससे आप सबको हिम्मत मिलेगी। सुनोगे ना? ये कहानी है एक शूरवीर की, जंगल का बेटा, नैलाकोंडा भगवंत केसरी। डैडी, फोन। मुझे दो बेटा। हेलो, हवलदार नारायण बोल रहा हूँ सर। कोर्ट से 20 कैदी रिमांड पर लाए जा रहे हैं, उनकी एंट्री कर दूं या आपके आने का इंतजार करूं? मैं अपने नए घर में शिफ्ट कर रहा हूं, टाइम लगेगा। तुम फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो। उसे कौन से ब्लॉक में रख रहे हो? रूल्स के हिसाब से नए कैदियों को ब्लॉक ए में रखना होता है सर। पर क्या? ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि कैदियों को बी ब्लॉक में रखा जाए। ओके, बी ब्लॉक में भेजो। हेलो, बी ब्लॉक में कोई वीवीआईपी कैदी है क्या? हाँ है सर, बिजनेसमैन रतन शुक्ला। पिछली सरकार को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था, इसलिए नई सरकार ने झूठे केस में उसे अंदर कर दिया। ये सब जरूर उसे मारने आए हैं, रोको ने। हेलो, बेफिक्र हो जाइए सर, वो लोग सी ब्लॉक में चले गए हैं। क्या मतलब? सी ब्लॉक में भगवंत केसरी है सर।
बाल्टी पकड़। ओए टू बाय टू, एक छोटा सा मैटर सेटल करना है। चाचा ने बड़ी मुश्किल से बाल्टी भरी थी जो तूने गिरा दी, तो अब तू थोड़ी देर के लिए बाजू हट, चाचा को उधर पानी भरना है। ए, देख नहीं रहा यहाँ क्या चल रहा है? भाई आया है, चल निकल। लगता है बात इसके भेजे में घुस नहीं रही है, सीटी बजा रहा है। मार साले को। इज्जत देना सीख ले, हाँ पर खोपड़ी फुड़वाने का शौक है तो बेशक मत दे। बेटा हम बुड्ढों के लिए यही कसरत है, पानी मुझे ही भरने दे। ए, अबे बुड्ढे तू हैंडपंप चलाएगा तो पूरा दिन इधर ही निकल जाएगा। मुंह का गटर बनकर मनोज, पहले ये बूढ़ा वो अपनी बाल्टी भरेगा, उसके बाद इसको मारेंगे। अब तक चुप करके बैठ। आप बाल्टी भर लो चाचा। चाचा की स्प्रिंग में जंग लग गया यार। बाल्टी भर गई हो तो चले चाचा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है बेटा। तुम्हारी चाची को उगता सूरज देखना पसंद था, चलो हम भी बैठ कर देखते हैं। ओए 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 आशिक, इतनी सुबह सुबह याद आ रही चाची की, दिल में गिटार बजने लगा क्या तू भी? तो चाची का दिल भी खुश कर दे, उनके लिए भी कुछ हो जाए। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे आने से मेरे इस जीवन में खुशियां छा गईं। तुम ही तो हो मेरे इस दिल में, मेरी धड़कनों में। सुर में था ना? बहुत बढ़िया था सर, मजा आ गया। अब तू बताएगा क्या, तेरे लिए गाया क्या मैं? सुर में क्या रखा है, बात सामने वाले के दिल तक पहुंचनी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है कौन क्या सोचता है। क्या रे मुन्ना भाई, ये क्या कर रहे हो आप? उसका गला काटा था, गोद में बिठा लिया। भाई है, भाई है, 5 मिनट में जाने वाले, बस 5 मिनट। बाल्टी बाल्टी भरने वाले। अरे क्या पका रहे हो, अगर ये इधर का भाई है तो फिर आप कौन हो? बाल्टी बाल्टी क्या कर रहे हो? बाल्टी का जाल डालो, मैं बाल्टी की दो। अच्छा है बाल्टी हाथ में नहीं है, वरना खोपड़ी फोड़ देता। भाई बाल्टी ही ठीक थी, इसका हाथ ऐसा लग रहा है जैसे हथौड़ा हो। ये आदमी है कि चलता फिरता बुलडोजर है? पता है कानों के बीच में भेजा क्यों रहता है? जब कान पे फटका पड़ता है तब बात भेजे में घुसती है। गलती हो गई भाई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हमने सारी बाल्टियां भर दी, आपने बजा बजा के हमारा पसीना निकाल दिया। वेलकम सर। सर 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 सर, थैंक यू सर, आप तो मुझे जानते भी नहीं फिर भी आपने मेरी जान बचा ली, थैंक यू। मेरे पिताजी हमेशा मुझसे कहते थे, इंसान के कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं, इंसान का कर्म ही
उसका सबसे बड़ा धर्म है। शुक्रिया मालिक। नारायण, आई वॉन्ट टू सी हिज फायर। हाय। ओए। अब सुपर मानो, आपने इतने सारे लोगों को अकेले मारा। नहीं तो, मैं तो एकदम आम आदमी हूँ बेटा, लेकिन कभी कभी मैं सुपरमैन बन जाता हूँ। बिल्कुल। तो मैं आपको सुपरमैन कहूंगी। सुनिए सर जी, आपने मेरी जान बचाई तो मैं आपको 500 करोड़ देना चाहता हूँ। शुक्ला जी। चुप हो गया जी। देखो बेवजह की जिद मत करो, पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो, वक्त पर दवाइयाँ लो, बेटा आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ। इनके बेटे के आने तक रुकते तो। तू उसे बुलाने गया था ना, आया क्या वो? जब तक अपने बेटे को मिल नहीं लेती तब तक मेरी आत्मा शरीर नहीं छोड़ेगी। मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब, एक बार अपने बेटे से मिल लेगी तो शांति से मर सकेगी। नारायण सर, जाने की तैयारी करो, कल हम भगवंत के गांव जा रहे हैं। अगर मैं अपनी मां से नहीं मिलता तो शायद उन्हें सुकून की मौत नहीं मिल पाती। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सुपरमैन, आपकी मम्मी भगवान के पास चली गई। आप दुखी मत हो, आज से मैं आपकी माँ हूँ। चलेगा ना? फौजी की ड्रेस में बेटी कमाल लग रही है। शादी से पहले मेरी वाइफ का एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मेरे लिए उसने अपने सारे सपने कुर्बान कर दिए और विजया को जन्म देते ही वो चल बसी। मुझे आज भी अफसोस है कि मेरी वजह से उसने एयरफोर्स ज्वाइन नहीं की। मैं अपनी बेटी को आर्मी में भेज पाऊं, वही मेरा प्रायश्चित होगा भगवंत। वैसे तो ये हमारे हाथ में नहीं है, बड़ी होके वो पता नहीं क्या बनना चाहे। लड़कियों को कभी कमजोर मत समझो, वो किसी शेरनी से कम नहीं। अगर वो नहीं मानेगी तो मैं समझाऊंगा। बनाओ बेटी को शेर। बेटा ऐसे ही सर उठा के रहना और निडर बनना, तभी तुम्हें दुनिया में इज्जत मिलेगी। करोगी ना ऐसा? एक हफ्ता हो गया पर सर ऑफिस क्यों नहीं आ रहे? रूल्स के खिलाफ जाकर आपको जेल से बाहर ले गए, इसलिए सर को सस्पेंड कर दिया गया। आपको दुख ना हो इसलिए बताने से मना किया। 15 अगस्त को रिहा किए जाने वाले कैदियों की एक लिस्ट बनी है जिसमें उन्होंने आपका भी नाम लिखा है। मैं ऑर्डर्स लेने खुद आ जाऊंगा, बस एक घंटे में निकल रहा हूं सर। विजय बेटा देखो तो कौन आया है। सुपरमैन। क्या हो गया बेटा, तबीयत खराब है? बेटा मुंह खोलो। भगवान और सब ठीक है? सर मेरी वजह से आपकी नौकरी चली गई, अगर पता होता तो माँ से मिलने नहीं जाता। अपने बच्चे से दूर रहकर एक माँ पे क्या बीतती है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्यों भगवान, वापस गाँव जाओगे या यहीं रुकोगे? गांव तो नहीं जा रहा, यहाँ कुछ अधूरे काम है जो अभी पूरे करने हैं। विजया रेडी हो जाओ, तुम्हें नारायण अंकल के घर छोड़ दूंगा और वहाँ से हैदराबाद चला जाऊंगा। मुझे सुपरमैन के साथ रहना है। क्यों सुपरमैन, डैडी के लौटने तक तुम मेरे साथ रहोगे? आप बिंदास जाके आइए, आपके लौटने तक मैं विजया का ख्याल रखूंगा।
दिन श्रीकांत एक रोड एक्सीडेंट में घायल हो गए। ये हादसा तब हुआ जब वो अपने पोस्टिंग ऑर्डर लेकर हैदराबाद से वारंगल लौट रहे थे। जब उन्हें घटना स्थल से हॉस्पिटल ले जा रहा था तब उनकी हालत विजया बेटा बेटा थोड़ा तो खा लो। मुझे बस डैडी चाहिए। बेटा, वो देखो, वो क्या? तुम्हारा नाम क्या है? विजया। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? फिफ्थ। कौन सा स्कूल? रॉस इंटरनेशनल। उसके पापा की अचानक डेथ होने की वजह से वो सदमे में है। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अनएक्सपेक्टेड चीजें होने पर पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। उसे लाइफ में स्ट्रॉन्ग इंसान बनाना होगा, वरना इस फोबिया की वजह से उसे आगे चलकर बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सुपरमैन, मैं आपको क्या कह के बुलाऊं? कुछ भी बुला सकती हो। तुम चाहो तो चाचा बुला सकती हो। जब भी तुम्हें लगे तुम किसी मुसीबत में हो, अपने पापा को याद करना। पलक झपकते ही पहुंच जाऊंगा। वो देखो, वो देखो, वो देखो, रेनबो, रंग बिरंगी। वो येलो कलर मम्मा, मम्मा। ग्रीन कलर डैडी, डैडी। Additional. 15 मिनट में सारी की सारी शीट्स ले ली। लगता है इस साल ये दोनों टॉप करेंगी। हेलो, पूरा का पूरा बंडल लिया और लिखा सिर्फ दो ही शीट पे है। हमारे फेवरेट हीरो की फिल्म रिलीज हुई है, हमने ये एक्स्ट्रा शीट्स लेकर इसलिए फाड़ी ताकि इन्हें थिएटर में उछाल सके। ए, रुक रुक रुक, बाइक रुक। सर, ट्रिपल सीट फाइन मारना या अपना वाला स्टाइल दिखाया? बॉन्डो के आगे क्या स्टाइल मारना, कोई चिकनी चमेली आया तो बता ना। सॉरी सर। चमेली तो खुद मिलने आ गई। ले चल दोनों को पुलिस स्टेशन। सर सर सर, पुलिस स्टेशन नहीं, चालान काट लीजिए। अरे ये तो घबरा गई। पुलिस स्टेशन चल, सारे डर भगा दूंगा। राकेश सर, या इनको अपनी आंटी को फोन। आंटी कहोगी तो जान ले लेगी वो। प्राची कहो उन्हें। हेलो, दिवाकर का थाना हनीमून स्वीट जैसा है। लड़कियों को डोले शोले बहुत पसंद है। इम्प्रेस हो गई? एक होचू बोतल कहाँ लेके जा रहा है? बच्चियों के सामने ये सब अच्छा नहीं लगता सर। तेरी रिश्तेदार लगती है क्या? राकेदार साला हीरो बनेगा। क्यों राकेश, मैंने सुना थाने में सब लोग मेरी बचाने की फिराक में थे। हाँ सर, पर मेरे लिए तो भगवान हो। हाँ तो सुबह शाम मेरी आरती क्यों नहीं उतारते सर? प्राची, being a psychologist I can say that you're a psycho। लड़कियों के सामने स्टेशन में बिना शर्ट के बैठे हो, disgusting। मैं आईजी को जानती हूँ, थेरेपी लेते हैं मुझसे। Should I call human rights? गुस्से में भी कमसिन कली लगती है। खड़ी हो। हाथ दे। उई माँ। नाखून एक ही खंजर है। ऑन ड्यूटी कांस्टेबल पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। हीरोइन पंदी बंद कर, वहां जाके लाइन में लग जा। इस साइको पर मेरी साइकोलॉजी काम नहीं करेगी। शॉक ट्रीटमेंट वाला डॉक्टर चाहिए इसे। चाचा आ गए। वैशु, ये कौन? ये अपनी विजया के चाचा हैं प्राची। Salt and pepper. Looks interesting. कोई प्रॉब्लम होती है तो फोन क्यों नहीं करती हो? चाचा, मुझे किसी और से पता चला। घर से एग्जाम देने निकली थी और पिक्चर देखने चली गई। वैसे तेरी उम्र में मैं भी यही करता था।
क्या हुआ सर? लड़कियों ने कुछ गलती की है तो पता लगाइए, उन्हें इस तरह पुलिस स्टेशन में उठा लाने का क्या मतलब? बग्गड़ दिवाकर का यही स्टाइल है, सबको पता है। देख तो राकेश, घूर तो ऐसे रहा जैसे खड़े खड़े मेरा कुर्ता निकाल देगा। लुक से तो रफ एंड टफ लगता है, बिल्कुल शेर की तरह। तेरी तो इतनी तारीफ कर रहा है तो इसे हार भी पहना देना, तेरा जीजा लगता है। ए, एक गर्मा गर्म कड़क चाय ले क्या? ये लीजिए आपकी चाय, आप जल्दी से चालान काटिए फिर मैं बच्चों को लेकर जाता हूँ। ठंडी चाय लेके आया, वापस जा, उसको बोल और गरम करे और लेके आ। देख क्या रहा है, जा जाके चाय लेके आ, जा। इतनी गरम चाय की चमड़ी जल जाए। What a gutsy man. इतना गरम काफी है, बुझा इसे, बुझा। कहाँ सर, अभी तो मेरी उंगली भी नहीं जली, और गरम होनी चाहिए। माफ करना भाई, चला नहीं चाहिए, बच्चियों को ले जाओ, पहले इस आग को बुझाओ। अपनी हीरोगिरी किसी और के सामने दिखाना, अगर मेरे सामने हीरो बनने की कोशिश की तो चमड़ी उधेड़ कर यही खूंटी पे टांग दूंगा। पुलिस स्टेशन में वर्दी पहन के बैठा कर, नहीं तो तेरी तोंद को स्टोव बनाकर लोग ऐसे ही चाय गरम करके पियेंगे। मैं पुलिस वालों की इज्जत करता हूँ सर, इसीलिए प्यार से समझा के छोड़ रहा हूँ। चल बेटा। ये क्या था? शेर की दहाड़। साले, आग बुझाने आया क्यों नहीं? आरती उतारने बोला था, उन्होंने उतार दी। आज हैदराबाद में जश्न का माहौल है, बड़ी बड़ी हस्तियां राहुल सांघवी के जन्मदिन के लिए आई हैं। मेनी प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस आर अटेंडिंग द पार्टी फ्रॉम दिल्ली। बड़े व्यापारी और राजकीय नेता इस पार्टी में शामिल हैं। नमस्ते सीएम साहब, कैसे हैं आप? अरे डिप्यूटी सीएम, मेल मिलाप होता रहेगा, पहले आप अंदर चलिए, आइए। मैं दिल्ली से राहुल सांघवी के बर्थडे के लिए आया हूँ, ये इमरजेंसी मीटिंग का क्या चक्कर है? मैं क्या बताऊँ, मैं तो बस सीएम हूँ, ये दो बड़े मिनिस्टर्स हैं और तुम पार्टी प्रेसिडेंट, तुम ही तो सारे बड़े फैसले करते हो। अब ज्यादा ताने मारने की जरूरत नहीं है, सीधे मुद्दे पर आओ। तुम्ही ने कहा था ना कि राहुल सांघवी करोड़ों के फंड्स देता है, इसलिए जो वो मांगता है उसे दे दो। तो उसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी के एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट को हमने गवर्नमेंट से सारी परमिशन दिला दी। मुझे लगता है उसमें ड्रग्स थे। यस सर, ऐसा इंटरमीडिएट रिपोर्ट में बताया है। इंटेलिजेंट रिपोर्ट है। पोर्ट पर काम करने वाले एक कस्टम ऑफिसर को इसका पता चल गया और उसने सारी डिटेल्स एक रिपोर्टर को दे दी। वो रिपोर्टर वहाँ से हैदराबाद गया और उसने वो डिटेल्स राहुल संघवी के बिजनेस राइवल सुशांत पांडे को दी। सुशांत पांडे से ये टिप मिलते ही कोलकाता पोर्ट के कस्टम ऑफिसर्स शिप पर छापा मारने के लिए चल पड़े हैं। सीएम साहब, मैं चलता हूँ, मिलते हैं। इससे होशियार रहना, ये पार्टी को गिराने की फिराक में है, गिरगिट की तरह रंग बदलेगा, तुम ही कोई रास्ता निकालो। You have to do something on this, sir. ये सब संभालने के लिए हमारे पास सिर्फ एक घंटा बचा है, अब ये मामला मेरे हाथ में नहीं। गिफ्ट, हमारे पास टाइम नहीं है, कस्टम डिपार्टमेंट वालों को रोकना होगा और उसे भी जिसने ये न्यूज लीक की, तुम्हें कुछ तो करना होगा सांघवी। जोगी जी, वेयर इज माय गिफ्ट? अरे हम सब यहाँ खतरे में हैं और तुम्हें गिफ्ट की पड़ी है। I said, where is my gift? Sorry, you all enjoy, enjoy, everyone enjoy. आखिर तुम चाहते क्या हो सांघवी? Okay. Project V, India's prestigious project. गुजरात से लेकर कोलकाता तक जितने भी पोर्ट्स हैं वो सब एक प्रोजेक्ट से जुड़े होंगे और उनका एक कॉमन प्रोजेक्ट होगा प्रोजेक्ट वी। जिसके पास ये प्रोजेक्ट होगा पूरे देश पर उसी का राज होगा। मुझे ये चाहिए, दैट इज माय गिफ्ट। आई वांट टू बी नंबर वन इन दिस कंट्री एंड आई वांट टू नेम दिस कंट्री एज राहुल भारत।
सांगवी, इस रेस में और भी बड़े खिलाड़ी हैं, तुम्हें ये प्रोजेक्ट देना नामुमकिन है सांगवी। ओके जोगी जी, क्लॉक इज टिकिंग, डूबेंगे तो सब साथ में डूबेंगे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट तुम्हें दिया, पर पहले हमें इस दलदल से निकालो। शिप से मुन्ना का फोन है। मुन्ना, तेरे पापा का भविष्य और सपना तेरे हाथों में है, अगर तुम पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। I will become zero. कस्टम्स वालों ने शिप को घेर लिया है डैड। सच बताना, वहां से निकल सकते हो? वो ऑलरेडी शिप पे आ गए हैं डैड। I am scared डैड। उन्हें रोक सकते हो? I can't डैड, I can't। Love you बेटा, safe journey. Do it. लेकिन सर वो आपका बेटा है। Do what I say. तुम अपने ही बेटे को कैसे मरवा सकते हो? जोगी जी, अगर कोई कीमती चीज हासिल करना चाहते हो तो हमें ऐसी छोटी मोटी कुर्बानियों की आदत डालनी चाहिए। That is the business, जोगी जी। मेरे लिए मेरा बेटा नहीं, प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहो तो तुम सीएम या पीएम बन सकते हो, ये नंबर वन बनने का क्या पागलपन है? योगी जी, जानते हो मुझे क्या चाहिए? एक ऐसा मुकाम जहां परिंदा भी पर ना मार सके, जिसके बारे में कोई ख्वाब भी ना देख सके। आई वॉन्ट टू बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड शुड बी अंडर माई फीट। लॉ ऑफ द नेचर के बारे में जानते हो जोगी जी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ताकतवर है उसी की जीत होती है। और मुझे हरा सके ऐसा इंसान भगवान भी नहीं ढूंढ पाएगा। भागो। दो मिनट बैठ। अरे अरे, बस एक किलोमीटर आओ। अब नहीं भागा जाएगा चाचा। हाँ, जल्दी। हाँ विजय बेटी, 3 राउंड्स, कम से कम 100 स्क्वाट्स, जब तक पसीने में नहा नहीं लेती। मैं तेरे लिए दूध लेकर आता हूँ, ध्यान रख छोटू। ठीक है। 100 क्यों, 150 मारती हूँ चाचा, उसमें क्या है? चल छोटू शुरू कर। 1, 2, 60, 70, 100। विजय बेटी, इतनी जल्दी 100 स्क्वाट कर लिए? सच में चाचा, देखो कितना पसीना। बड़ों से झूठ बोलना गलत बात है ना? पर तूने तो बोला ही नहीं, पूरी बाल्टी पसीने से भर गई है। चल छुट्टी। मैं 3 साल से तेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हूँ, कम से कम इस साल तो इन पेपर्स पे साइन कर दे बेटा। मैं भी तो 3 साल से साइन कर ही रही हूँ, इस साल भी कर ही देती हूँ सिर्फ चचा के लिए। इस बार कौन सा साइन किया? पिछली बार कौन सा साइन किया था? हीरो होंडा स्प्लेंडर, मेरा चाचा है थंडर। इस बार थोड़ा उससे हटके है, जुबली हिल्स बंजारा हिल्स, चाचा के फटके भरवाए मेडिकल बिल। जितने 40 प्लस थे सबकी फोटो दिखा दी, इसमें से किसी को तो सिलेक्ट कर लीजिए मैम, आप भी तो 35 की हो गई हो। मैं अभी 32 की हूँ। इस उम्र में लड़का मिलना मुश्किल हो जाता है, पर मुझे मिल गया। कुछ दिन पहले ही मैं एक सॉल्ट एंड पेपर लुक वाले हैंडसम मर्द से मिली हूँ। तुम सबको गुड न्यूज जल्दी मिलेगी। सारे माल को अनलोड करने से पहले चेक करना चाहिए, वरना मैनेजमेंट को जवाब देना भारी पड़ेगा। हाय। आप कौन? पहचाना नहीं, पुलिस स्टेशन में मिली थी। विजय की फ्रेंड वैष्णवी। ओ, हाँ हाँ, कल ही मिले थे। हाँ, हाँ। कैसी हो आंटी? हेलो आंटी, किसको बोला? ओए, दिखने में तो 30 प्लस की हो, सफेद बाल ब्राउन करके यंग बनती हो। खुद को सुपरस्टार समझते हो, कभी आईना नहीं देखा? मेरी उम्र 32 साल है, नाम है प्राची। हेलो, थैंक यू।
आपको अपने बेटे के लिए 40% चाहिए थे, मेरी साइकोलॉजी थेरेपी के बाद 90% आए हैं। यू कैन सेंड एक्स्ट्रा फीस, बाय। यू आर द बेस्ट प्राची। प्राची तुम साइकोलॉजिस्ट हूँ। जरा यहाँ बैठो। प्राची, मैं कब से विद्या से एक एप्लीकेशन साइन करवाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए उससे वो साइन करवा सकती हो? अरे यही तो मेरा काम है, ऑफ कोर्स आई विल ट्रीट हर। देखो मैं इस काम के लिए फीस भी दे सकता हूँ। मुझे फीस नहीं चाहिए, पर मैं ये फ्री में भी नहीं करूंगी। मुझे तुमसे जो भी चाहिए होगा बाद में ले लूंगी। डेली इवनिंग 6 o'clock विजया को मेरे पास भेज देना, और तुम्हें भी आना होगा। विजया तुम अंदर जाओ, मैं बस अभी आती हूँ। ओके। तुम नहीं आ रहे? नहीं नहीं, मैं क्या करूंगा, तुम बस उससे साइन करवा दो, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। चाय कॉफी तो पी लो। नहीं नहीं, चाय कॉफी का टाइम नहीं है। दिन में चलेगा क्या? लड़कियों के सामने क्या कह रही हैं? शुक्रिया दादी जी। अरे टेरेस पे बैठ के पियेंगे। एक बार मना किया ना आपको, अब अगर दोबारा पूछा तो तुम्हारे हाथ में जो ग्लास है उससे ही सर फोड़ दूंगा। ये तेरे से पटने से रहा। साइन तो मैं करने से रही प्राची, पर तुम्हारा टाका जरूर भिड़ा सकती हूँ। वैशु ने सब बता दिया है, अपना फुल फोकस चाचा पर करो, ताकि वो अपना फोकस मुझसे हटाएं और आर्मी की रट लगाना छोड़ दे। पहले मेरी शादी हो जाए, बारातियों का बाद में सोचेंगे। कोहली की सेंचुरी, इंडिया पाकिस्तान। भगवंत जी, बच्ची ने इतनी जल्दी सिग्नेचर कर दी है। कुछ थेरेपी वीडियोस है तो विजय अंदर वही देख रही है। चलिए क्यों ना वॉक करते करते घर के लिए मार्केट से कुछ सब्जियां खरीद लाए। क्लास बच्चे की चल रही है, आप मेरी क्लास क्यों ले रही हैं? क्या भगवंत जी, विजय की थेरेपी के लिए मुझे पहले उसके गार्डियन को समझना होगा। अब तो चलोगे ना? और हाँ, सब्जी के साथ फ्री की धनिया मिर्ची मत भूलना। आए हाय, इशारे कर रही है। आज रात का मामला सेट है, पक्का बाजू वाली की बीबी लग रही है। मार्केट में छेड़ रहा है, घर में छेड़ेगा तो बेलन खाएगा। हस्बैंड वाइफ ही ठीक थे। प्राची, साथ में आ जाओ। उल्लू के पट्टे कुछ भी बोलते रहते हैं। हाँ तो प्राची, विजया की थेरेपी क्लास तो बराबर चल रही होगी ना? मजे से। दाढ़ी में कलर क्यों नहीं करते, हैंडसम लगोगे। मैं रंग नहीं बदलता प्राची, जो है बस यही है। सही कहा, इसीलिए भगवान को लोग इतना पसंद करते हैं। एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कौन थी वो? एक जान पहचान वाली थी। मैंने पूछा कौन थी? अरे बताया ना, जान पहचान वाली थी। ओके, विजया की थेरेपी भूल जाओ, कराते रहो साइन। अरे उसका पति बेवड़ा है तो मैंने उसे समझा के काम पे भेजा, उसे बस शुक्रिया कहना था। भाई कहती है वो मुझे, सिस्टर जैसी है। ओह सिस्टर। प्राची, मुझे पता है तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। क्या सोचती हूँ? मैं नहीं बताऊंगा। अरे प्लीज बताओ ना। उससे अकेले में बात की तो तुम्हें गुस्सा आया, पर उसे सिस्टर कहने पे तुम खुश हो गई। मैं सब समझ गया प्राची। समझ गए? क्या समझे? मैं नहीं बताऊंगा। अरे बिना बताए कैसे समझूंगी, प्लीज बताओ ना। मुझे? हाँ मुझे। तुमसे? तुमसे? मैं नहीं बताऊंगा इसको। तुम्हें बताओ ना प्लीज। अब बता भी तो क्या चल रहा है मेरे मन में। जब मैंने तुमसे कहा कि वो मुझे अपना भाई मानती है, तो अब तुम्हारा भी मन कर रहा है कि तुम मुझे भाई कहो। इतना टेंशन क्यों? अरे तुम भाई कह सकती हो। अरे सबका भाई हूँ मैं। क्या नसीब है। डेप्यूटी सीएम की अचानक हुई मौत से पूरा शहर गहरे सदमे में है। डेप्यूटी सीएम की आकस्मिक मौत की वजह से हर कोई गहरे सदमे में है। उनके चाहने वाले और उनके समर्थक उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हमारी पार्टी और राज्य का नाम राहुल संघवी के ऊपर रखना गलत है। पार्टी के उत्थान के लिए सहयोग के नाम पर इन्होंने करोड़ों का चंदा दिया है, और आप सब ने इनके ट्रक से भरे जहाज को जाने की अनुमति दी है, और जिन्होंने आवाज उठाई उन्हें मार दिया। तुम सब के काले धंधे और प्रोजेक्ट वी के सारे सबूत इस फाइल में, और तुम्हारे इस गंदे खेल में सीएम भी तुम्हारे साथ है। याद रहे, कोई नहीं बच पाएगा। यो मिस्टर सांगवी, प्रोजेक्ट वी हासिल करके दुनिया का नंबर वन बिजनेसमैन बनना चाह रहे थे ना, अब नहीं बनोगे, मैं तुम्हें जीरो बनाकर रहूंगा। क्या बोला? कम अगेन? मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा।
ये क्या कर दिया सांघवी, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हमने इसे डराने के लिए बुलाया था, तुमने तो इसकी जान ही ले ली। जोगी जी, पता है ना मैं सेंसिटिव हूं, मुझे जीरो बनाएगा बोलकर दुख पहुंचाया। टू इनसेंसिटिव, अगर इसे छोड़ दिया होता तो मामला बनता वेरी सेंसिटिव। पार्टी ऑफिस में डिप्यूटी सीएम को मार दिया, इस बात को हम छुपाएंगे कैसे? स्ट्रेस था जी, मेंटल स्ट्रेस था, जनता की सेवा करने के चक्कर में खुद पे ध्यान नहीं दिया और सर को अटैक आ गया। भले इंसान थे, इनसे पूछ लो, लेकिन ज्यादा नेकी और ईमानदारी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठप से दिल बैठ जाता है। और नेक्स्ट, व्हाट वाज हिज इंपॉर्टेंस इन द गवर्नमेंट? तुम बोलो। हां, सवाल अच्छा है इंग्लिश में। वन सेकंड मैडम, कुछ सवाल पूछ रही हूं। वेल, ही वाज अ ग्रेट पॉलिटिशियन एंड अ ग्रेट लीडर। तुम सबको बचाने के लिए बिना हिचकिचाए अपने बेटे की बलि चढ़ा दी। मेरे प्रोजेक्ट वी का क्या हुआ चुकी जी? वो प्रोजेक्ट तुम्हारा ही होगा सांगवे, हमारी गारंटी है, पर उसके बदले हमें प्रोजेक्ट टी चाहिए। प्रोजेक्ट टी? यस, टी फॉर ट्विस्ट। उस दिन जब तुमने डिप्यूटी सीएम को मारा, हमने दरवाजे तो बंद कर दिए, लेकिन उसका पीए वहां मौजूद था जो सारे एविडेंस लेकर वहां से भाग गया। उसके पास जो एविडेंस है, अगर वो गलती से भी ऑपोजिशन पार्टी को मिल गए तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। वो पीए नहीं मिला तो आप ये हम सब फंस जाएंगे। अब आप ही कुछ कीजिए। अब प्रोजेक्ट भी पाना ना पाना तुम्हारे हाथ में। अब तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे थेरेपी देने के लिए? तुम्हारी हेल्प के लिए। जब तक तुम साइन नहीं करोगी वो तुम्हें फोर्स करते रहेंगे। दिखावे के लिए साइन कर दो, एग्जाम और फिजिकल टेस्ट में फेल हो जाना। ही विल नेवर फोर्स यू टू जॉइन द आर्मी। एज अ साइकोलॉजिस्ट, दैट्स द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू। तीन साल से मैं इसका इंतजार कर रहा था। शुक्रिया प्राची। अब मुझे समझ में आ गया तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है प्राची। फिर कुछ गलत सोचोगे, आज तो रहने ही दो। बताने दो प्राची। माफ कर दो भगवान जी, इस बार मैं तुमसे सच ही कहूंगा। मैं जाती हूँ। प्राची, जो तुम्हारे दिल में चल रहा है ना, उसे पाने के लिए इंतजार करना होगा। करोगी ना? तुझे सच में एग्जाम देना है, पिक्चर देखने जाते हैं ना? मैं चलूँ क्या? आजकल कार्तिक से बहुत चिपक रही है, सब कार्तिक को ही देगी तो हमारा क्या होगा? लाइब्रेरी है, शोर नहीं कर सकते। एक किसी दे दे, चल चल जल्दी से। दोबारा कॉलेज में दिखाई दिए तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। डोंट वरी विजया, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, चलो आ जाओ बेटा, खाना ठंडा हो रहा है। विजया, विजया, अंकल बुला रहे हैं। भूख नहीं लग रही है चाचा, आप खा लीजिए। तुम्हारी शक्ल क्यों उतरी हुई है बेटा, कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ चाचा, कुछ नहीं। बताओ बेटा, अगर कुछ हुआ है तो मैं देख लूंगा। कुछ हुआ होता तो बता देती, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। तुम्हें पाल पोस के मैंने ही बड़ा किया बेटा, तुम मुझे बता सकती हो। तो ये वो बला है, जानती हो मैं कौन हूं? मेरी पहुंच मिनिस्टर से लेके सीएम तक है। मेरे बेटे को सस्पेंड करेगा तू? आखिर किया क्या उसने? एक छोटी सी किस मांगी थी, दे देती। अगर मेरा बेटा कहता कि तेरे साथ सोना है तो उसका भी इंतजाम करता मैं, कौन बचाता तुझे? कौन रोकता मुझे? मेरी बात कान खोल के सुन, आज तेरी आजादी का आखिरी दिन है।
कल से तू मेरे बेटे के गुलाम होगी और कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। चाचा 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 प्लीज चाचा प्लीज मेरी बात सुनिए, एक दो दिन में सब ठीक हो जाएगा चाचा, मैं सब भूल जाऊंगी चाचा चाचा प्लीज चाचा चाचा प्लीज प्लीज रुक जाइए प्लीज रुक जाइए, मत मत कीजिए चाचा चाचा प्लीज शांत हो जाइए, वो लोग बहुत खतरनाक है, सीएम तक पहुंच जाए उनकी, ऐसे लोगों से दुश्मनी मत लीजिए प्लीज चाचा। बेटा अगर कोई रस्ते का कुत्ता भौंकता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर वो खुला सांड है, उसके सींग तो तोड़ नहीं होंगे। अब बात मेरे परिवार की है। ये कौन है मॉम? पता नहीं। महाराज एक चाय इलायची डाल के। हाँ। ए, तुझे अंदर किसने आने दिया? चिल्ला मत, मैं यहां बात करने आया हूं। कॉलेज में तू मेरी बच्ची से पूछ रहा था ना, कौन बचाएगा तुझे, कौन रोकेगा मुझे, वही बताने आया। अगर तुझे पता चल जाए कि मैं कौन हूं और मेरे पीछे किसका हाथ है तो घुटनों पे आकर मेरे तलवे चाटेगा तू। हाँ बहुत पैसे वाले होगे तुम, बहुत लोग होंगे जो तलवे चाटते होंगे, पर हम गरीब हैं, हमारे सर पर किसी का हाथ नहीं, खुद की लड़ाई खुद लड़ते हैं, अगर मान गया तो गले लगाते हैं और नहीं माना तो गला काट देते हैं। आज मैं अपने वो राज बताने आया हूं जो अब तक दफन थे। आदिलाबाद भीमशेरी मौत का तांडव। किसी पड़ोसी के सुनाने पर वो कहानी बन जाती है, कोई आंखों देखी सुनाए तो इतिहास, इतिहास रचने वाला सुनाए तो आंखें बाहर आ जाती है। ऐसा खौफ रगों में बस जाता है कि रूह तक कांप जाए। उस दिन उस जंगल का मंजर देख के सूरज की धड़कने भी तेज हो गई। जंगल को लूटने वाले शैतानों को जब रोका गया तो उन्होंने जंगल की रक्षा करने वाली पुलिस पर हमला कर दिया, वहां के फॉरेस्ट ऑफिसर और बाकी पुलिस वालों को बड़ी बेरहमी से मार दिया। एक छोटा बच्चा घने जंगल में भागा इस उम्मीद में कि कोई तो होगा जो उनकी रक्षा के लिए आएगा। बच्चे की चीत्कार इतनी भयानक थी कि जंगल भी थर थर कांप उठा। मुझे उस जंग में शामिल होना पड़ा जो मेरी कभी थी ही नहीं। वो बच्चा जो मदद की गुहार लगाते भाग रहा था अब वो बेखौफ था, क्योंकि उसे पता था अब मौत का तांडव शुरू होगा। उस मासूम बच्चे की चीख सुनकर मेरे अंदर का काल महाकाल बनकर उन दरिंदों पर टूट पड़ा। मेरा वो कहर मानो खून की होली हो। ऐसा शिकार किसी शेर ने भी नहीं किया होगा जो उस दिन मैंने किया उस जंगल में।
बेटा, रो क्यों रहे हो? शांत हो जाओ। मैं अपनी ड्यूटी और सारे नियम उस दिन उस बच्चे की जान बचाने के लिए साइड में रखकर भूल गया। उस बच्ची को अपने सीने से लगाकर बड़ा किया है। सोचो अगर किसी ने उसका बाल भी बांका किया तो उसे छोड़ूंगा? छोड़ूंगा उसे। बेटा, मेरे बेटे से गलती हो गई, मुझसे भी गलती हो गई। अगर आप चाहते हैं तो आपकी बेटी से माफी मांगने को तैयार हूँ। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए प्लीज, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। आप चाहो तो मैं मेरे परिवार को लेके यहाँ से चला जाता हूँ। मेरी तरफ देखिए। जगह बदलने से कुछ नहीं होता, सोच बदलो। इतने पढ़े लिखे होकर लड़कियों से ऐसी बातें करना शोभा देता है? मेरे पिताजी कहा करते थे, जब लोग तुम्हें जानने लगे तो वो तुम्हें जानने चाहिए, ना कि किसी के नाम पे। लोग जब याद रखें तो ये याद रखें कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या क्या पाया है। और मैंने अपनी जिंदगी में क्या पाया वो सुन चुके हो। सर, आज मेरा मूड अच्छा था इसलिए आपको प्यार से समझाया, वरना आज तुम सबके सर कट के मां काली की बलि चढ़ चुके होते। उस दिन पता चला कि एक इंसान शब्दों के वार से भी मर सकता है। उस दिन से मेरे सारे ऐप छूट गए, ना सिगरेट ना शराब, और मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। जब इंसान को लगने लगे कि कोई उसे हरा नहीं सकता, तभी उसका सामना उसके काल से होता है। राहुल सांघवी को भी लगा कि उसे कोई हरा नहीं सकता, पर तभी भगवंत केसरी आया। एक छोटी सी मछली भी महाकाय वेल को नचा सकती है, और राहुल सांघवी के साथ भी ऐसा ही हुआ। राहुल को प्रोजेक्ट वी हासिल करने के लिए सीएम के पीए को पकड़ना था, पर जब ऐसा नहीं हुआ तो राहुल बौखला गया। उस पीए के संपर्क में जो कोई भी आया, राहुल के आदमियों ने उसे कुत्ते की मौत मार डाला। और उसी वक्त राहुल की जिंदगी में एक अनहोनी हुई। कर्मा नेवर लूजेस एन एड्रेस। जिस पीए को वो ढूंढ रहा था, वही राहुल और भगवंत केसरी के मिलने का कारण बन गया। एक रिपोर्टर होकर भी बिना अपने चैनल को बताए तुम्हारे लिए डील फिक्स की है, इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। जब तक ये सबूत है तब तक मैं और मेरी फैमिली सेफ है, इसलिए ये मैंने किसी को नहीं दिया और ना ही इसे अपलोड किया। इस फुटेज के साथ राहुल सांघवी के साथ इस गवर्नमेंट को भी एक घंटे के अंदर तबाह किया जा सकता है। पार्टी प्रेसिडेंट से मैं बात कर लूंगा। डोंट वरी, तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। प्राची, हैदराबाद में कोई अच्छी ट्रेनिंग एकेडमी ढूंढो। फाइनल एग्जाम्स खत्म होते ही मैं विजया को हैदराबाद लेकर जाऊंगा। पहले विजया को तो कन्विंस कर लो भगवंत, शी इज नॉट प्रिपेयर्ड। तो करो उसे, अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। कार्तिक, इट्स हाई टाइम, अपने पेरेंट्स से हमारी शादी की बात करो और उन्हें घर लेकर आओ। विजय रिलैक्स, मैं कल ही अपने पेरेंट्स को लेकर आता हूँ। हमें जल्दी से इस ड्राइव से सारे एविडेंस मेल पे सेव करके ड्राइव को क्रैश कर देना चाहिए। पर उसके लिए कंप्यूटर की जरूरत है। चाचा, हम दोनों के बारे में कुछ नहीं जानते। शी हैज अ लैपटॉप। टेंशन मत लो, अगर मैं एक्सक्यूज मी, कैन आई यूज योर लैपटॉप फॉर सम टाइम? मुझे अर्जेंटली एक टिकट बुक करनी है, प्लीज। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। मदद के लिए शुक्रिया, थैंक यू। वेंकट, उस पीए ने एक लड़की को सब कुछ बता दिया है, हमें उस लड़की को ढूंढना होगा।
वारंगल में मिर्ची के बिजनेस में हम नंबर वन हैं। इस बात से बहुत लोगों को मिर्ची लगती है, करोड़ों की जायदाद है, रिश्ते के लिए मालदार पार्टीज की लाइन लगी रहती है, पर ये आजकल की नालायक औलादें लव है बोल के किसी को भी उठा लाते हैं। पंडित जी कोई बढ़िया सा मुहूर्त निकालो। आप जरा उनकी भी तो राय। ए, चुप कर, मैं बात कर रहा हूँ ना, तेरे से पूछा किसी ने? तुम्हें कुछ बोलना है तो बोल दो। नहीं सर जी, उसे अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, फिलहाल शादी का नहीं सोच रहा हूँ। ऐसे बोल रहा है जैसे तेरी खुद की बेटी हो, गोद ली हुई है ना, वैसे भी इनकी तरह खाना ही तो बनाना है। एकदम चुप। इतनी छोटी सोच है तुम्हारी, कोई ऐसे बात करता है? तुम्हारी मिर्ची सही तुम्हारा मुंह जला दूंगा। इतना पैसों का रोब किसे दिखा रहा है? इतना ही पैसा है तो डाल दे अपनी। किसी और को ये रोब दिखाना। चलो माना दोनों की शादी हो गई, और अगर कल को तुम्हारा ये बेटा मर गया तो, और इस सदमे में तुम्हारा बिजनेस ठप हो गया तो अपना परिवार कैसे चलाओगे? अगर बहू पढ़ी लिखी होगी तो तेरा और तेरे परिवार का पेट भर सकती है ना। पर चाचा, कार्तिक, कार्तिक मेरी बात सुनो। कार्तिक, कार्तिक, सॉरी कार्तिक, अपने चाचा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ये तेरे चाचा हैं? बर्ताव तो जानवरों जैसा है, बिल्कुल तमीज नहीं है। मेरे डैड को लात कैसे मारी उन्होंने? कार्तिक ऐसा नहीं है, आई कैन एक्सप्लेन। इनफ, ये प्यार और शादी के बारे में भूल जाओ और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। बेटा इतना मत सोचो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। उसका बाप तुम्हारे लिए कैसे कैसी बातें कर रहा था, उसे तो तुम्हारे करियर के बारे में सोचना चाहिए था। शादी इंपॉर्टेंट नहीं, आर्मी ज्वाइन करना। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे आजाद कर दो चाचा। आप कब तक मेरी लाइफ कंट्रोल करते रहोगे? मुझे अपने तरीके से जीने दो। आर्मी ज्वाइन नहीं करनी है मुझे, मुझे बस शादी करके एक आम जिंदगी जीनी है, मेरे लिए इतना ही काफी है। आई हैव एंग्जाइटी, फियर, फोबिया और पता नहीं कितनी कमियां है मुझ में। इतनी कमजोर लड़की आर्मी में कैसे जा सकती है? मैं अब से हाथ जोड़ के भीख मांगती हूँ। नहीं बेटा, मुझसे नहीं होगा, घुटन होती है मुझे, मेरी जिंदगी से चले जाइए। बेटा वो उसने कहा ना उससे नहीं होगा, उसे और फोर्स करना ठीक नहीं है। विजया को अकेला छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दो प्राची, अब तुम ही बताओ, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? फियर, एंग्जाइटी, फोबिया, ये उसकी कमजोरियां हैं। ये दुनिया उसे आसानी से जीने देगी? जीने देगी क्या? आज मैं उसके साथ हूं, कल जब नहीं होऊंगा तब, इसीलिए उस पर जोर डाल रहा हूं। मुझे उसे स्ट्रांग बनाना होगा, शेरनी की तरह मैं बनाऊंगा। अगर वो तुम्हारे जैसे स्ट्रांग होती तो मैं उसे कुछ नहीं कहता प्राची। आज जो लड़की कांप रही है वो कल लोगों के लिए मिसाल बनेगी। वो भी बच्ची है, वो तो गुस्से में कुछ भी बोलेगी, पर ऐसे मैं उसके बाद दिल पे थोड़ी ना ले लूंगा। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा प्राची, मैं उसे मनाऊंगा, समझाऊंगा, जरूरत पड़े तो पैर भी पड़ जाऊंगा, पर उसे स्ट्रांग बनाऊंगा, शेरनी की तरह, वादा है मेरा।
जल्दी जल्दी पीछे 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 अरे पीछे ओपन कैम वन हाँ कैम टू जूम इन 10:12 AM सेम टाइम पे कैम फाइव चलाओ हाँ यही 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 जूम इन आपका शक सही निकला चार दिन से वो आपकी बेटी के पीछे थे ये कोई नई गैंग है उन्हें पहले यहां कभी नहीं देखा आपकी बेटी खतरे में है वो मंजर याद आते ही आज भी रूह कांप जाती है अगर वो साथ है तो हम लड़की को टच भी नहीं कर सकते अलग करना होगा अगर उसे मारना है तो उस लड़की को उससे अलग करो भाई ये उस लड़की का दोस्त है सलाम भाई विजय बेटी तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है मेरा साथ में रहना जरूरी है चाहे तुम उससे बात मत करो पर मुझे साथ चलने दो विजय बेटी विजय ये चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में जरूरी है विजय तुझे कार्तिक कब से ढूंढ रहा है क्या हो गया कुछ जरूरी काम है वही बताएगा वैशु विजय कहाँ है वो कार्तिक के दोस्त के साथ चली गई कह रहा था कार्तिक को उससे कुछ बात करनी थी चाचा का फोन है क्या करूं स्विच ऑफ कर दे बिना वजह तेरा मूड खराब करेंगे उसका सुरेश नाम का कोई बॉयफ्रेंड है उसके नाम पर उसे फंसा कर मारने का प्लान बनाया है उन्होंने दिवाकर हाँ वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे पता लगा उनका सुरेश हम तो कार्तिक से मिलने आए थे ना ये तो मुझे कहाँ ले आए कार्तिक कहाँ पर है सलाम भाई आपने जैसा बोला मैं लड़की को लेके आया अब पेमेंट मिल जाता तो तेरे को सब मिलेगा बता जाने मन पिछले संडे कॉफी शॉप में एक आदमी ने तुझसे तेरा लैपटॉप मांगा था याद है कहाँ है वो आदमी मुझे नहीं पता वो कौन था मैं तो उससे उस दिन पहली बार मिली थी सीधा सीधा बता कहाँ है वो मुझे नहीं पता बता डेप्यूटी सीएम की मौत के बारे में क्या कहा मुझे सच में कुछ नहीं पता बॉस इसके लैपटॉप में कुछ नहीं मिला हमें लगता है उसने डिलीट कर दिया मासूम है बेचारी जाने देते हैं जाने कैसे दे सब कुछ पता है उसे मार दो इसे जब भी तुम्हें लगे तुम किसी मुसीबत में हो अपने पापा को याद करना पलक झपकते ही पहुंच जाऊंगा पापा ट्रक लेके अंदर आ रहा है रोको उसे
कर कुछ नहीं किया। आप बोलते रहे लेकिन मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी। चाचा उसने कहा वो मुझे मार देगा। रो मत बेटा, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, चलो। ओए, यहाँ से तू बच के नहीं जा सकता, हंस क्या रहा है? एक बार इसकी खोपड़ी फोड़ दूं, उसके बाद सब मिलकर हंसेंगे, क्या बोलते हो? अच्छा बेटा, बचपन में प्यार से तू मुझे क्या नाम से बुलाया करती थी, याद है? सुपरमैन। जब मैं ट्रक को हवा में उड़ा के आया तो लग रहा था ना सुपरमैन। अब भगवान भी आ जाए तो इसे हमसे बचा नहीं पाएगा। तुझे क्या लगा मुझे भगवान की जरूरत है? भगवान की जरूरत है। जब एक बाप बेटी को बचाता है तो उसमें 100 भगवानों की ताकत आ जाती है, तो वो खुद क्यों आएंगे? आज का दिन तू अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। तूने जीते जी मुझे दो चीजें दिखा दी। पहली, मेरी बच्ची के चेहरे पे मौत का खौफ। दूसरी, उसके शरीर पे घाव जो मैं कभी नहीं देखना चाहता था। अब तू ही बता, तेरा क्या होगा? मुझे जानना है कि पहले किसने हाथ उठाया, किसने उसे पहले डराने की कोशिश की। वो कौन है जिसने तुम सबको उसके पीछे लगाया? जो भी उसके बारे में बताएगा, वादा है कि उसकी मौत बाकियों के मुकाबले कम दर्दनाक होगी। नहीं बताया तो? तुम सबका भी यही हश्र होने वाला है। मदद मांगने का मौका नहीं मिलेगा। सांस लेने का मौका भी नहीं मिलेगा। भाड़े के टट्टुओं, अगर इस मुकाबले में तुम्हारी मौत हो गई तो तुम तकदीर वाले कहलाओगे, और अगर बाय मिस्टेक बच गए तो मौत भी तुमसे मुंह फेर लेगी। मुझे जानना है कौन मेरी बेटी को मारना चाहता है। भूखे शेर की तरह शिकार करने लगता है, सबको फाड़ फाड़ के खा जाएगा। भाई वो पागल हो गया है, मेरी टांग तोड़ दी है उसने। Thank you.
आज तो आप पर बिजली गिरने वाली है। आपको कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मारेगा। अगर जान प्यारी है तो छुप जाओ बॉस। विकी, बड़े भैया, हमारे बॉस आपको देख सकते हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो देखिए, वो उस कैमरे से आपको देख रहे हैं। राहुल सांघवी आपको देख रहे हैं। राहुल सांघवी, मेरा पुराना दोस्त। क्या रे सांघवी, तुझसे तो बात किए हुए एक अरसा बीत गया। जब एक हाथी पागल हो जाता है तो उस पे अंकुश लगाना पड़ता है, और तुझ पे कौन लगाता है? जंगल का शेर नैनाकोंडा भगवंत केसरी। देखा क्या इत्तेफाक है सांघवी, नेचर ने हमें फिर से मिला दिया। बहुत बड़ी गलती की है बच्ची को दर्द देकर। हमारा पुराना हिसाब तो अभी बाकी ही था, और ये नया चैप्टर जोड़ के तूने मौत को दावत दी। ठीक है, बराबर लड़ेंगे, आर या पार नहीं देखेंगे। तुझे छोड़ूंगा नहीं, चाहे सीएम से बात कर ले, चाहे पीएम से बात कर ले, अपने पैसों का पूरा जोर लगा ले। ब्रो, I don't care. जन्म और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, पर दोस्त और दुश्मन चुनना हमारे हाथ में। भगवंत केसरी और राहुल सांघवी के बीच युद्ध की वजह थी एक आदमी का अहंकार। सर, इसके यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? 20 साल से मैं यहाँ का एमएलए हूँ, क्यों रहे? चल बता, बोल, मेरे आदमियों को हाथ किसने लगाया? तुझे बचाया किसने? चल बोल, बोल ना, बोल, बता, तो सुनिए आप, एक बता, जल्दी बता। नीलकोंडा भगवंत केसरी। हाल ही में यहां ट्रांसफर हुआ है। एक घंटे में वो यहां होना चाहिए। एक बार ये बोर्ड मीटिंग खत्म कर लूं, उसके बाद तेरी ही गन से तुम दोनों की खोपड़ियां उड़ाऊंगा, समझा एसपी? स्वतंत्र सेवा पार्टी के 10वें वार्षिक सम्मेलन की सफलता के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। आप सबको मेरा हृदय से धन्यवाद। आपका साथ ही मेरी शक्ति है। सर, आपके नाम का अरेस्ट वारंट है, गाड़ी में बैठिए। सेक्शन 274, फॉरेस्ट में गैर कानूनी गतिविधियां। सेक्शन 302, ब्रूटल किलिंग्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। बेहतर होगा आप चुपचाप गाड़ी में बैठ जाएं। तो मुझे अरेस्ट करेगा, मेरे खिलाफ केस बनाएगा साले, मुझे थाने लेके जाएगा? मार खा के हंस रहा है। मालिक अगर नौकर को मारे तो वो बेचारा हंसने के अलावा और कर भी क्या सकता है, लेकिन सोचो कि अगर वही नौकर पब्लिक के सामने मालिक के ऊपर हाथ उठाए तो मालिक शर्म के मारे फांसी लगा लेगा। मुझे कौन मारेगा साले? होशियार होशियार, सब चोर खबरदार, आ रहा है जंगल का सरदार, CI नीलकोंडा भगवंत केसरी। Thank you.
क्या हुआ रफी, यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? इसे जीप में क्यों नहीं डाला? ओ, तो तू है भगवंत केसरी, तेरी मौत की तारीख और समय तो मैं पहले से ही तय कर चुका हूँ। ये बात है, इसीलिए लुंगी उठा रहा है। जब तुझे जीप में डाले तो भागने में आसानी हो। ए, यहां से तो मैं तेरी लाश के ऊपर से ही निकलूंगा। गीदड़ भपकियों से मैं नहीं डरता, ये सुनकर कान पक गए। तू सिर्फ एक गुंडा है, पर मैं पुलिस वाला गुंडा हूँ। चल बे। नहीं जाऊंगा, देखता हूँ कैसे ले जाएगा। पता है कानों के बीच में भेजा क्यों रहता है? क्या? जब कान पे फटका पड़ता है तब बात भेजे में घुसती है। एक कॉल करूंगा मैं, मेरे पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले मेरे आदमी वहां पहुंच जाएंगे और एक एक को जलाकर राख कर देंगे। रफी। यस सर। इसके मोबाइल में 5G का रिचार्ज करवाओ। रास्ते में हमें और भी गुंडों को उठाना है, तब तक तेरे पास टाइम है, जिसको चाहे फोन कर ले। तू ऐसे कैसे एमएलए को अरेस्ट कर सकता है रे? उन्हें इसी वक्त छोड़ दे, वरना पूरे शहर में आग लगा दूंगा। भाई जरा 5 मिनट वेट कर, किट्टू लुका छिपी खेल रहा है। सीआई मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा है, फेस वैल्यू, मुझसे डर गया। अरे किट्टू क्या करता है यार, कितनी गर्मी है बाहर और भूख भी लगी है मुझे। चल बैठ जा गाड़ी में। ओए भगवंत, मैं नहीं आ रहा तेरे साथ। अपने चारों ओर देख यार, गैंग बुलाई है। इनको छोटे मोटे पॉकेट मार मत समझना, ओपड़ी खोल देते हैं। पूरे बिहार में आतंक है इनका। बिहार पुलिस खुद इनके डर से बेल में छुप गई है। तुझे जिंदा रहना है तो निकल। हमारे दोस्त को लेकर जाओगे? हाथ तो लगा कर दिखा, ससुर ने तुझे यही काट दूंगा। हाथ तो लगा कर दिखा, हाथ तो लगा। ऐसी भद्दी शक्लें देखते ही मेरा दिमाग घूम जाता है, और दिमाग घूमने पर मैं वाइल्ड हो जाता हूं। हेलो, माइक टेस्टिंग, 1 2 3। अपने किट्टू की मुंह दिखाई किए बिना मैं नहीं जा रहा। सर, मैं आपके साथ आने को तैयार हूँ। अबे किट्टू, तूने अपनी शक्ल को ढक के क्यों रखा है? क्या बताऊँ सर, मेरी शक्ल बहुत ही गंदी है। पर मुझे देखने तो दे। अरे जब मेरी बीवी को मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो आप देखकर क्या करोगे? पर मुझे अच्छी लगी तो। अरे क्यों मेरी माँ जैसी बातें करते हो? बिल्ली का रास्ता काटना और मेरी शक्ल देखना एक ही है। इतनी बुरी है कि कुत्ता भी ना मुते। माई बाप गाड़ी में बैठा दो। अरे ये किस खुशी में यहाँ बैठा है, ये क्या कर रहा है तू? मेरी शक्ल बहुत बुरी है। नहीं नहीं, तेरी शक्ल अच्छी है, आ जा गाड़ी में बैठ जा। थैंक यू सर। पर हंसते ही भद्दी हो जाती है। रफी। सर। बिहार के गुंडों को बिहार की पुलिस को भेज दो, बोलना गिफ्ट है। ठीक है सर। ए एमएलए के चमचो। हाँ क्या बोल रहे थे तुम, जरा शक्ल तो दिखाओ। कुछ नहीं बोल रहे थे हम, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया है 40 डिग्री, चेहरा जलकर भुट्टा हो गया, नींबू मिर्ची के लायक भी नहीं रहा। वैसे दूर से हैंडसम लग रहा था, क्यूट है रहे तू, घूम जा। बाबा जी का छुल्लू, चलो रे निकलो, गाड़ी निकल। एसपी बात करना। सांगवी सर को बाहर निकालो।
एक बंदर जेल के अंदर और दूसरा जेल के बाहर। सीनियर से ऐसे बात करते हैं, तमीज है कि नहीं? शुक्र मनाओ सर ने खोपड़ी नहीं फोड़ा, कम से कम खड़े तो हो। अबे तो चुप कर, सीनियर ऑफिसर से ऐसे बात करते हैं क्या? मैंने तो आपकी साइड ली, आप ही ने उसे बंदर कहा। अरे हम लोग एक ही जात के हैं, तू क्यों आग लगा रहा है? सांगवी साहब सिर्फ रूलिंग पार्टी के एमएलए ही नहीं है, ये गवर्नमेंट को बड़े फंड्स भी देते हैं, इन्हें जाने दो। ये कितने स्कैम कर चुका है, कितने ही पुलिस वालों को मार चुका है, ये सारे गुनाह तो अपने सर पे ले ले और अरेस्ट हो जा, मैं इसे छोड़ दूंगा। यू आर ट्रीटिंग मी लाइक दिस? एक सीनियर ऑफिसर पर कितना प्रेशर होता है उसका अंदाजा भी है तुम्हें? ये करेक्ट है रफि, सीनियर ऑफिसर्स को जवाब देना होता है, उन पर काफी प्रेशर होता है। एक बात बताओ, कमिश्नर के साथ जब मीटिंग होती है तो तुम किस तरफ बैठते हो, राइट या लेफ्ट? राइट साइड। तो उसका राइट का तलवा चाटो। भगवंत, तुम्हें सस्पेंड करने में मुझे सिर्फ एक घंटा लगेगा। एसपी सर, इन्हें सस्पेंड मत करना, बिल्कुल नहीं। एसपी सर, दिमाग घर छोड़कर आए हो क्या? इनको सस्पेंड करने का मतलब समझते हो? रफि, कंट्रोल योर इमोशंस। नहीं सर, आपको सस्पेंड करने का अंजाम ये जानते नहीं है। चलो। अरे रफि, अरे ये क्या कर रहे हो? करीमनगर, अक्टूबर 4th सरकारी बस में एक गुंडे ने 32 लोगों को गोलियों से भून डाला। सीआई सर ने उसे अरेस्ट किया और आप ही की तरह एक डीएसपी उसे छुड़वाने आया। मैंने तब भी बोला था सस्पेंड मत करो, पर पता है उसके बाद क्या हुआ? सस्पेंड होना तो तय ही था, मुझे अपनी नौकरी की चिंता ना तब थी ना आज है। एक कांच की बॉटल और क्रिमिनल को लेकर मैं डीएसपी के घर पहुंच गया, उसके सामने ही गला काटकर उसके हाथ में दे दिया। ऐसा मंजर कोई भी देखेगा तो चड्डी गीली कर देगा। उस डीएसपी ने उसकी बॉडी को ट्रेन के नीचे डलवा के सुसाइड डिक्लेयर किया। हाँ, पर इसी शौक से डीएसपी साहब को पैरालिसिस हो गया था ना? जाहिर है अगर ऐसी करतूते रहीं तो पैरालिसिस अटैक नहीं होगा क्या? क्या बोलते हो? तो यहां आप मुझे सस्पेंड करने आए थे ना? कर दो, पर जाने से पहले इसका खरबूजा काट के जाना। एएसपी, इसे सस्पेंड मत करवा, बस मुझे बेल दिलवा दे। बेल चाहिए तुझे? भाड़े के गुंडे बुलवा चुका है, पुलिस बुलवा चुका है, और भी कोई है तो उसे भी बुला ले, तेरा सरना तय है इस जेल में। ओएसपी के बच्चे, घूस देके पुलिस वाला नहीं बनाओ, पसीना बहाया है। यू डिडंट मेक मी सो यू कांट ब्रेक मी। अत्याचार और पापियों को देखकर मेरा खून खौलने लगता है, उनका खात्मा करने के लिए ही वर्दी पहनी है। चूहा मत समझना, जंगल का शेर है। चल फुट। सर, भगवान ने ऐसी चार्जशीट बनाई है कि हमें 10 दिन तक बेल नहीं मिलेगी। राहुल सर ने हायर अथॉरिटी से बात कर ली है, आज शाम तक हमें बेल मिल जाएगी। आपकी आंखों के सामने उसे मारूंगा। जेल जाना मौत से भी बदतर है, बहुत कुछ झेला है मैंने, उसे इतना तड़पाना कि अपनी मौत के लिए तरसे। I will do it. वो जिल्लत, वो दर्द जो मैंने सह, डैड, उसे भी। एक पुलिस ऑफिसर होकर भी कई गैर कानूनी काम करता है, जैसे हथियारों की तस्करी, ड्रग्स, जंगल की ऑफिसर की जान लेने वाला जंगल का बेटा भगवान केसरी। इस केस में तुम सब गवाह हो। व्हाट सिस्टर्स, बयान दोगी ना? Oh,
वेलकम माय फ्रेंड भगवान केसरी। मेरे पापा को 10 दिन के लिए जेल भेजा था, मैं तुझे उम्र भर जेल में सड़ूंगा। क्या फैसला किया? तुम्हें भी मरना है या गवाही देनी है? ओके, अब मैं पूरे गांव को गवाह बनाऊंगा। बेबी, भगवान केसरी अंकल को तुम जेल भिजवाओगे ना? बोलो बेटा, नहीं भिजवाओगे? नहीं, नहीं, अपने बच्चों के लिए कुर्बान हो जाएंगे, पर गांव को आज नहीं आने देंगे। इस बच्चे की जान बख्श दो, मैं गवाही दूंगी। दुनिया की पहली माँ होंगी जो अपने बेटे को सजा दिलवाएगी, झूठ बोलकर अपने जिगर के टुकड़े को जेल भिजवाऊंगी। गुड बाय भगवान केसरी, अगले जन्म में मुलाकात होगी। अपनी फैमिली तक को छोड़ दिया आपने, अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, वो भी किसके लिए? एक पराई लड़की के लिए चाचा। विजया, बचपन में तुमने क्या कहा था याद है ना? तुमने कहा था तुम मेरी माँ हो, अगर माँ मुसीबत में है तो बेटा छोड़ के जाएगा क्या? से मैं बस वही करूंगी जो आप मुझे करने को कहेंगे। ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद की जगह किसी और शहर में जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर राहुल सांगवी ने फिर से प्राची, जहां भी विजया को लेकर जाऊंगा वो जरूर पीछा करेगा। अब किस्मत तय करेगी कौन जिएगा कौन मरेगा। विकी, एक ग्रैंड वेलकम प्लान करते हैं। भगवान केसरी मुझे ढूंढते हुए आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। भगवान जी, ये मेरे भैया है भाभी। नमस्ते। नमस्ते। राहुल सांघवी सर, बस में लेडीज और छोटे बच्चे भी हैं, इनको उतार दो फिर बात करते हैं। पता है कानों के बीच में भेजा क्यों रहता है? जब कान पे फटका पड़ता है तब बात भेजे में घुसती है। Ah!
चाचा वॉल्यूम बढ़ाओ। ओके हुआ, बस यहाँ क्यों रोक दी? ये लास्ट स्टॉप है भाई। तो राहुल सांगवी के घर तक नहीं जाएगी? उनका घर पीछे है। देखिए उस गली में जाना किसी को अलाउड नहीं है। ये स्टीयरिंग मुझे दीजिए। वो गली तो क्या, मैं उसके घर के अंदर तक घुस जाऊंगा। दिन तो निकल गया पर रात बहुत भारी है इस राशि के लिए। हो सकता है आपके ऊपर प्लेन गिरे, राइट से ट्रेन ठोके या सामने से बस आए। जहाँ चींटी नहीं आ सकती वहाँ बस और ट्रेन कहाँ से आएगी? राहुल सांगवी से मिलना है मुझे। 30th floor। बस नहीं, आप लिफ्ट से जा सकते हैं। और इस राशि के लोगों की एक बहुत ही बुरी आदत है, वो सुनते नहीं है किसी की। अरे राहुल, मैंने कहा था ना कि आके मिलूंगा, तो ये भाड़े के गुंडे क्यों भेजे? मरने की इतनी जल्दी है क्या बे? ए, ज़बान संभाल के बात कर। आवाज नीचे। दो कौड़ी का लौंडा। अबे तेरे बॉस के मुंह में दही नहीं जमी है। मुझे लगा तो जेल में ही दम तोड़ देगा, पता नहीं था तो जेल से बाहर आएगा वरना। कर्मा, एक बच्चे की वजह से मैं जेल गया और दूसरे बच्चे की वजह से मैं बाहर आया। क्या सोचा था तू मुझे जेल भेजेगा और मैं कुछ नहीं करूंगा? ये तेरा जंगल नहीं है भगवंत, मेरी दुनिया है। जंगल हो या शहर, शेर शेर ही रहता है। बिल्ली नहीं बन जाता बे चूजे। मैं वो पुराना सांगवी नहीं हूँ। सही, तू पुराना सांगवी कैसे हो सकता है? उसकी तो दो टांगे हुआ करती थी, तेरी तो एक ही रह गई मुन्ना। भगवंत, तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। तुझे जेल भेजने से पहले जो दर्द तेरे लोगों को दिया वो सिर्फ झलक थी। मैं तुझे दुगनी मौत दूंगा। तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी का गला काट दूंगा। नहीं, तुझे मारना मेरे लिए ईरानी चाय पीने जितना इजी है। कभी मौत को इतना करीब देखा है? देखा है? देखा है क्या? क्या रे, मेरी बच्ची को मारेगा? हाथ तो लगा के दिखा। शहर के बीचों बीच मैं अपनी बच्ची को लेकर आऊंगा। भेज, जितनों को भेजना है भेज। तेरे एक एक पिल्ले की बोटी बोटी काट कर उनका कीमा बना दूंगा। इतने साल जेल में रहा इसका मतलब ये नहीं कि मुझे जंग लग गया। इतना गुरूर? मेरा जूता तेरी जान से ज्यादा कीमती है, गरीब साले। गरीब साले, सच्चाई जानना चाहेगा? राहुल सांगवी, गरीब लोहे जैसे होते हैं, वो मेहनत की भट्टी में तप तप के सख्त हो जाते हैं,
कोई उन्हें झुका नहीं सकता, लेकिन तुझ जैसे अमीर इस कांच की तरह है। बस एक छोटा सा झटका लगते ही चूर चूर हो जाते हैं। मुझे तो लगा था हमारा कभी सामना नहीं होगा, पर बम भोले की कृपा तो देखो कायनात ने हमें मिला ही दिया। ऐसा मौका मिला है कि मानो दिल झूम उठा है, हर बीट में बॉडी में थिरकन हो रही है। तुम्हें पता है लॉ ऑफ नेचर क्या होता है सांगवी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिसमें ताकत होती है वही जीतता है। हम दोनों में से कौन जीतेगा इसका फैसला नियति करेगी। मेरे रहते न तू जी पाएगा, और तेरे रहते न मैं और न मेरी बच्ची। प्लान बता, फुल एंड फाइनल, एक बार में खत्म करते हैं। वो कितना खतरनाक है हमसे बेहतर तुम जानते हो। अपना फोकस प्रोजेक्ट वी पर रखो और उस पीए को भी ढूंढो। One, two, three. Come on, do it. Change. Come on, boys. Take a break. Out. Move out. नमस्ते सर, मैंने सुना है कि आपकी ट्रेनिंग से बच्चों की आर्मी में सिलेक्शन जल्दी होती है। मुझे बच्ची को आर्मी में भेजना है। बच्चे ने बहुत मेहनत की है सर, एक पिता की तरह मदद कर दीजिए। क्या? एक पिता की तरह? मेरी भी एक बेटी है, उसने कहा डैडी लाइफ में कुछ करना है मुझे, तो शादी करवाकर ससुराल भेज दिया। गर्ल्स आर मेड फॉर ब्यूटी। ये टेनिस बैडमिंटन तक तो ठीक है, बट नॉट फॉर आर्मी। इतनी ताकत नहीं है उनमें। पर आजकल तो दुनिया भर की लड़कियां आर्मी में जा रही है, इस तरह लड़कियों को अंडर एस्टिमेट करना गलत है। हेलो, बस करो, अब तुम मुझे लेक्चर दोगी? ऐसी बहुत सी अकेडमीज हैं जो लड़कियों को ट्रेन करती हैं। जाओ वहां जाओ। एज आई हैव टोल्ड, ये लड़कियों के बस की बात नहीं है। गेट आउट। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं सर। जरा एक बार फिर से बोलना। मैं गलत फहमी में जी रहा हूँ? सच में? अरे कमजोर होती हैं लड़कियाँ। Should I prove it? Should I prove it? Put the bag down. Put the bag down. Boys, move aside. Go and run. Go. Run. Faster. Run faster. Move. Faster. More faster. More faster! Run! देखा, एक मिनट में तीन राउंड नहीं लगा पाई है। This is a stamina. और इसे ट्रेनिंग चाहिए आर्मी की। You want to see more? Start push up. One, two, faster. Three, four, five, faster. Come on, faster. सिर्फ 10 push ups में हवा निकल गई इसकी, और मुझे गलतफहमी है। You want to see more? Get into the ring. सूरज, सर, he is the topper of my academy. अब ये तुम्हें एक फाइनल डेमो देगा। सूरज, kick her out. She's not at all trained. उसे ट्रेनिंग के बिना एक आदमी से कैसे? तुम्हें जानना था ना, ताकत ही नहीं है इसमें। इस लड़की ने सूरज का एक बार भी सहन कर लिया ना, तो इसे किसी लायक समझ लूंगा। सूरज, देखा, और एक मारा तो गुड़िया मर जाएगी। जाओ घर ले जाओ इसे, खाना बनाना सिखाओ और शादी करवा दो। जैसा आप कहें सर।
आजा। उसकी तरफ क्या देख रहा है तू? 25 का है, मैं 50 का हूं। आजा। क्या सर, बॉर्डर पे भी ऐसा ही लड़ेगा क्या? ये आपकी एकेडमी का टॉपर है ना, एक और चांस देता हूं मैं इसे। चल उठ जा। वाकई आपके टॉपर में तो बहुत दम है। क्या कहा था, लड़कियों को बस खाना बनाना चाहिए? तो फिर इसे क्या सीखना चाहिए? किसी 5-स्टार होटल में सिफारिश कर सकता हूं मैं। आपका टॉपर है ना, वहां पर भी टॉप करेगा ये रायता फैलाने में। बेटी को अगर शारीरिक ताकत चाहिए होती तो मैं इसे रोज प्रोटीन खिलाता, लेकिन इसे हौसले की जरूरत थी, इसीलिए तुम्हारे पास लेकर आया था। लड़कियों के बारे में गलत सोच अच्छी नहीं, अपनी सोच को बदलो, नैरो माइंडेड। चल बेटा। चल साले, चल। सर, ये ऑटो ड्राइवर बच्ची को चॉकलेट देकर इसके साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश कर रहा था सर। बास्टर्ड, पुलिस स्टेशन लेकर जाओ इसको। प्राची, बच्ची को ले आओ। अंकल रोज चॉकलेट देते हैं क्या बेटा? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कभी बताया नहीं कि अगर कोई इस तरह से छुए तो वो गलत बात है? बच्ची का स्कूल कहाँ है? अगली बिल्डिंग में है सर। TNR मेमोरियल स्कूल के एनुअल फंक्शन में आए हुए सभी पेरेंट्स का स्वागत है आज के दिन। प्रिंसिपल मैडम। क्या हुआ सर? बताता हूँ। क्या आप बता सकती हैं स्कूल का शेड्यूल क्या है? 9 बजे प्रार्थना, 10 बजे मैथ्स, 11 बजे फिजिक्स। आज मुझे क्लास लेने दीजिए और आज क्लास में मैं जो सिखाऊंगा वो हर रोज उन्हें सिखाइए। मैडम, हमें अपनी बच्चियों को डरपोक नहीं बनाना है। उनके बैग में पेपर स्प्रे रखकर कैंडल मार्च करवाकर बड़ा नहीं करना है। उन्हें सिखाना है कि दरिंदों को मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है। आई बात समझ में? बनाओ बेटी को शेर। चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, ये दुनिया कभी नहीं चाहेगी कि ये लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हों, क्योंकि ऐसे इंसानों ने वो दर्द नहीं सहा जो माँ ने सहा है जन्म देते हुए। शायद इसीलिए उन्हें अंदाजा नहीं है कि एक लड़की में कितनी ताकत होती है। विजय इज ट्राइंग रियली हार्ड। मैं उसे जो भी टास्क देता हूँ उसका 90% अचीव कर लेती है। बस अगर वो अपने डर पर काबू पा ले तो बाकी का 10% भी अचीव कर लेगी। The most beautiful thing you can wear is confidence. Army life and the civilian life, both are totally different. Here both men and women are treated equally. A lot of discipline is expected. बच्ची को disturb मत करो। I want to talk to her. अभी बात नहीं कर सकती हो। चलो training। Okay. सूरज, मेरे साथ चलो, कुछ काम है। आओ। मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे उससे मिलने। कम कम कम। Hi. Sit. बोलो। विजय, मैंने एक नया business शुरू किया है। And it's going to be huge. Oh. वैसे ये आर्मी ट्रेनिंग क्यों?
तुम नहीं कर पाओगी, रहने दो, यू कांट डू इट, ओके? मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, ऑल द बेस्ट। तुम पागल हो गए हो क्या? फिर से उनके जाल में फंस गई? वो तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। बैठो। क्या कहा? मुझे जाल में फंसाया, मेरी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। पिछले 12 सालों से अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर सब कुछ ताक पर रख के मेरे साथ खड़े रहे वो। क्या कहा था? सेडिस्ट है वो, जंगल का बेटा है, नीलकुंड भगवंत केसरी, मेरे दोस्त, मेरे चाचा, मुझे जन्म ना देने वाले पिता। मुझे लगा उसके दिल में मेरे लिए बहुत गुस्सा होगा, पर अब वो मुझे समझ गई। सुन रही हो ना प्राची, उसने मुझे पिता बुलाया। इतना काफी है, बस बस एक कदम और मैं उसे उसके मुकाम तक पहुंचाऊंगा, जरूर पहुंचाऊंगा, जरूर। दुश्मन को मारने के लिए हमेशा एक हथियार नहीं बल्कि सही मौके की जरूरत होती है, और राहुल सांगवी को वो मौका मिल गया। डिप्टी सीएम का पीए, जो उस वक्त महाराष्ट्र के किसी छोटे कस्बे में छुपा हुआ था, जिसकी भनक उन्हें लगी और वो पकड़ा गया। राहुल सांगवी ने सरकार पर आने वाले खतरों को मिटा दिया और सरकार ने उसे प्रोजेक्ट वी सौंपने का निर्णय लिया। और फिर राहुल ने अपना खेल शुरू किया, द रियल गेम। उसने भगवंत केसरी को चारों ओर से घेरना शुरू किया। चाचा। Project V is my passion, my dream. कुछ सेकंड और, वो मेरे दरवाजे से चलकर आएगा, इसीलिए थोड़ी देर रुक जाते हैं। लेकिन उसके आने के बाद, but before that, let's have some fun. Psychologist Prachi, the love of Bhagwan Kesari, I have a question for you. Who is smart, me or Bhagwan Kesari? Bhagwan Kesari. It's true. Love is blind. And now for the final. Who is the strongest? Me or Bhagwan Kesari? Agar tumne mera naam liya to main tumhe zinda chhod dunga. Bhagwan Kesari. No. Why? Why Bhagwan Kesari? Being a psychologist, main logo ko aasani se pad leti hu. Har insaan ka apna ek formula hota hai. Tumhara formula hai money plus power. Jaise paiso se tum jurm karte ho और पावर से सबका मुंह बंद करते हो। इट्स अ रेगुलर रूटीन फॉर्मूला, बट भगवान केसरी हैज अ यूनिक फॉर्मूला। अगर बर्फ को आग के पास रखोगे तो वो पिघल जाएगी, और वही बारूद को रख दो तो धमाका होगा। आग, बारूद और बर्फ का कॉम्बिनेशन है भगवान केसरी। Which is an impossible combination. अगर उसके पास भी गए तो खाक हो जाओगे, और अब तुम उसके इतने करीब हो कि बचना नामुमकिन है। yeah, 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 yeah.
विजया भगवंत केसरी की दुनिया है, तो सोचो अगर विजया खतरे में हो तो भगवंत केसरी चुपचाप बैठकर चाय तो नहीं पिएगा ब्रो। तुम नेकी की राह पर चलो तो पूरी कायनात तुम्हारा साथ देती है। जिस रतन शुक्ला की 12 साल पहले भगवंत ने जान बचाई थी, आज उस एहसान को चुकाने का वक्त आ गया था। सर, हमने पीए को पकड़ लिया है। कोको कोला पेप्सी भगवान बाबू सेक्सी। सर जी, ये छोटे मोटे हथियार तो बच्चे चलाते हैं, मेरी बात मानिए, आप ये ऑटोमेटिक तोप चलाइए। शुक्ला जी, हम वो बारूद हैं जो इन गोलियों का मोहताज नहीं। ऐसा होता है धमाका, कैसा लगा शुक्ला जी? आपने सब कुछ हिला दिया सर जी, इसकी गूंज तो दिल्ली तक पहुंची होगी। संघवी, हमारा सारा खेल ही उल्टा पड़ गया। हम भगवान केसरी से मिलने जा रहे हैं, उससे बात करेंगे, उसे समझाएंगे, पर तब तक तुम बिल्कुल शांत रहना। ब्रो, फिर मुलाकात हो या ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। Rest in peace. भगवान, तुम यह बहुत गलत कर रहे हो। हम समझौता करने आए हैं, शांति से बैठकर बात कर लेते हैं। देखो सर, दिल्ली से खुद आए हैं, इस देश की बड़ी से बड़ी डील यही करवाते हैं। सर, सर, उस पीए को हमारे हवाले कर दो, उसके बदले मैं राहुल संघवी से बात करूंगा, उसे कहूंगा तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अकेला छोड़ दे। जोगी जी, डील खत्म, गेट द फ्लाइट रेडी। हेलो सर, 2 मिनट जरा यहां आएंगे।
आजकल के बच्चे भी इंस्टाग्राम पे आपसे अच्छी रील नहीं बना पाएंगे, नजर ना लगे। ये इनाम मेरी तरफ से, अब दिल्ली जा सकते हो। जा। तू जानता है कौन हूँ मैं? अशोक तिवारी। स्टेट से लेकर सेंट्रल तक मेरा नाम सुनते ही थर थर कांपते हैं लोग, और तू मुझे खैरात देगा? इस जंगल का शेर हूं मैं। जब मैं 10th में था, ट्यूशन से लौटते वक्त मुझे रास्ते में दो शेर मिल गए थे, और वो मुझे खामखा डराने लग गए। उनमें से एक के साथ मेरा दो दो हाथ हो गया और उसकी गर्दन मेरे हाथ पे आ गया। फिर वो दूसरा वाला ये देखकर दबे पांव जंगल में लौट गया। शेरों के साथ ही बड़ा हुआ हूं, और शेर के नाम से तू मुझे डराने चला है। जंगल का बेटा नैनाकोंडा भगवंत केसरी, मेरा गुस्सा जंगल की आग की तरह है। पेड़ पत्थर पहाड़ जो भी मेरे रास्ते में आए जलकर राख हो जाए। ब्रो, आई डोंट केयर। इतनी हिम्मत आई कहां से? मेरे पिता हमेशा एक बात कहते थे, जिद्दी आदमी राजा से ज्यादा ताकतवर होता है। एक राजा अपनी ताकत दिखाता है अपनी फौज के दम पे, पर एक जिद्दी दुनिया की परवाह किए बिना अपने दिल के करेगा। जोगी जी, मैं इन जोकरों से बात नहीं करता। अब तो मेरी ऑफर मानेगा या पीए को भेजूं सीधा प्रेस के पास? एक काम कीजिए, आप दिल्ली चले जाइए। अरे पर ये गलत आदमी से पंगा ले रहा है। Hey, you are messing up. तो चुप कर। Hey, you are wrong. He is King Kong. You are only messing and pissing and cussing. He is the bulldozer. You are water geyser. Take the nearest exit and go to Delhi. Damn it! सर प्लीज दो मिनट कार में बैठ जाइए। प्लीज सर, बस दो मिनट। यहाँ बहुत खतरा है सर, प्लीज आप बैठ जाइए, हम संभाल लेंगे। प्लीज बैठिए। भगवान, मुझसे बात करो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? राहुल सांघवी, उसे यमलोक पहुंचाना है। उसे मैं ही मारूंगा। मैं अपनी बेटी को लेकर आऊंगा। वो जितने को लेकर आना चाहता है आ जाए। आउट ऑफ लॉ, आउट ऑफ जुडिशियरी। युद्ध का मैदान तुम खुद ही चुन लो। एक और महाभारत हो जाए, सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। वो मर गया तो भी तुम सेफ हो, मैं मर गया तो भी तुम सेफ हो। अब सोचने को बचा क्या है? 3 महीने से घर नहीं गए हो, बीवी भाग गई तो? राहुल की वजह से अब तक फंसा हुआ था, अब तो निकलना ही पड़ेगा। मेरे पास पावर होती तो हाँ बोल देता, बेस्ट डील है भाई। ठीक है, राहुल सांघवी से बात करके तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवा दूंगा। सुनो ना, पॉलिटिक्स में आने का इरादा हो तो बताना। ना, तुम्हारी पॉलिटिक्स अलग है और मेरी अलग। शरीफ के सर पे बैठोगे, टेढ़ों के पैर पकड़ोगे। अपना उसूल अलग है, अड़ियल की गर्दन पकड़ता हूँ, ना सुधरे तो गर्दन तोड़ देता हूँ। जोगी जी, हम दोनों में से सिर्फ एक जिंदा लौटेगा। जगह तुम ढूंढोगे या फिर मैं ढूंढूं? टाइम तुम चुनोगे या फिर मैं चुन के दूं? एनी टाइम एनी वेयर। इसके आगे का पंच क्या था शुक्ला जी? आपकी ऑडियंस ये अच्छी तरह से जानती है सर जी। राहुल सांघवी वर्सेस भगवंत केसरी, नॉकआउट मैच। मैं हारा, तुम सेफ हो। वो हारा, तुम सेफ हो। गुड डील, तुम सब सेफ जोन में हो। सेफ जोन के चक्कर में तुमने हमें डेंजर जोन में डाल दिया है सांघवी। अब अगर सेफ जोन में रहना चाहते हो तो यही बेस्ट डील है। उसने कहा जिद्दी आदमी राजा से ज्यादा ताकतवर होता है। चुनौती दी है कि अपनी बेटी के साथ ही आएगा। अरे तुम्हारे पास तो पूरी फौज है, मार डालो उसे और साबित कर दो कि दुनिया में तुमसे ताकतवर कोई नहीं है। I'm already dead, जोगी जी। दुश्मन सीना तान के मेरे सामने आने को तैयार है, मुझे चैलेंज कर रहा है। I'm dead. मुझे जिंदा रहना है तो उसे मरना होगा। मेरा प्रतिशोध ही मुझे जिंदा करेगा। भगवंत, अकेले जाने में खतरा है। राहुल ने तुम्हें मारने की पूरी प्लानिंग की है, जरा वहां देखो।
कम से कम एक हथियार तो लेकर जाइए अपने साथ। और मेरा ओपनर, बस मुझे 10 मिनट के लिए दे दीजिए। अगर किसी के जहन से कोई डर निकालना हो तो एक तरीका है। कोई भी ऐसी चीज या इंसान जो उसे अपनी जान से प्यारी हो तो उसे खोने का डर पैदा करो। ऐसा मंजर देखकर अगर उसके दिल में वो डर थोड़ा सा भी ट्रिगर हो, देन देयर इज अ चांस। भगवान, तुम ट्राई कर सकते हो पर ये बहुत खतरनाक है। चाचा! या बेटा, बचा लो मुझे, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। चाचा! बेटा, बचा लो मुझे, आओ। चाचा! ऐसे ही सर उठाकर निडर बन के रहना, तभी ये दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। तुम ऐसा करोगी ना?
आपने ये जानकर किया? आप भी ना, बेटी शेर बन गई। मेरा छोटा शेर, चलो मिलके शिकार करेंगे। बेटा अब तुम आराम करो, इससे मैं निपट लूंगा।
राहुल सांगवे। तुझे मारने से पहले तेरी बेटी को मारूंगा। Who is the strongest? It's true. Bhagwan. Yes, sir. Sorry, sir. कहा था कि 10 मिनट में आऊंगा, 2 मिनट ज्यादा लग गए। टेंशन नहीं ना? अरे कोई बात नहीं सर, बाकी सब ठीक है ना? चलो मैं चलता हूँ। बच गए, फिर से गलती तो नहीं करेंगे ना? गुड बाय भगवंत केसरी, ये नाम तुम लोगों को मरते दम तक याद रहेगा। अब इस बारे में मीडिया को कौन बताएगा? फार्म हाउस में पार्टी कर रहे थे, अचानक आग लग गई, एक्सटिंग्विशर भी नहीं था, सब खाक हो गया, शॉर्ट सर्किट में सब जल गया, बेचारा सांगवी भी। ये ओपनर पे खून क्यों लगा है? खून नहीं है, ये रेड वाइन है। इन्होंने हमारी पार्टी के लिए गुप्त रूप से काम किया है, इन्हें एमएलसी बनाएंगे, स्वागत करो इनका। मिनिस्ट्री मिलेगी क्या? इतना आसान नहीं है, जूते घिसने पड़ते हैं। मेरी एकेडमी से आज तक न जाने कितने लड़के आर्मी में सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन आज पहली बार एक लड़की आर्मी में सिलेक्ट हुई है। पूरी शिद्दत से ट्रेनिंग की है उसने। शी इज नन अदर देन मिस विजय लक्ष्मी। विजय, मेरे चाचा मुझसे हमेशा एक बात कहते हैं, लड़कियों को कमजोर मत समझो, उनकी परवरिश शेरनी की तरह करो, बनाओ बेटी को शेर। यू कांट गो बैक एंड चेंज द बिगिनिंग, पर तुम आज क्या करते हो उस पर तुम्हारा अतीत निर्भर करता है। अगर आज मौत को टाल नहीं सकते तो पूरी हिम्मत और गर्व के साथ उसे गले लगा लीजिए। भगवंत केसरी हमेशा एक बात कहते हैं, बड़ों को इज्जत दे, खोपड़ी फुड़वानी है तो बेशक मत दे। ऐसी भद्दी शक्लें देखते ही मेरा दिमाग घूम जाता है, और दिमाग घूमने पर मैं वाइल्ड हो जाता हूँ। पता है कानों के बीच में भेजा क्यों होता है? जब कान पे फटका पड़ता है तो बात भेजे में घुसती है, घुसती है, घुसती है। एक राजा अपनी ताकत दिखाता है अपनी फौज के दम पे, पर एक जिद्दी दुनिया की परवाह किए बिना अपने दिल की करेगा। मिला है कि मानो दिल झूम उठा है, हर बीट में बॉडी में थिरकन हो रही है। यस, यस। चिल्लाओ मत, आवाज नीचे। ब्रो, आई डोंट केयर। ब्रो, आई डोंट केयर।